जय हिंद दोस्तों। बिजनेस करना है लोन चाहिए, प्रॉपर्टी बाई करनी है लोन चाहिए, कार खरीदनी है लोन चाहिए, और तो और ट्रेडिंग करने के लिए भी लोन चाहिए, वो भी स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, ये पॉसिबल है, बट इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयर्स को मीन्स स्टॉक्स को प्लेज करना होगा। अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आखिर ये प्लेज क्या होता है, तो चलो इसे भी आसान भाषा में समझा देता हूँ। स्टॉक प्लेज के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयर को अपने ब्रोकर के पास गिरवी रखते हो और उसके बिहाफ में ब्रोकर आपको ट्रेडिंग के लिए लोन मींस मार्जिन प्रोवाइड करता है। ये मार्जिन हर स्टॉक्स पर अलग अलग हो सकती है एंड लोन या फिर मार्जिन की वैल्यू टोटल प्लेज किए गए शेयर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। आई होप कि आपको प्लेज समझ आ गया होगा। अब आप अपने स्टॉक को धन के प्लेटफॉर्म पर कैसे प्लेज कर सकते हो, इसे लाइव करके देख लेते हैं। ये प्रोसेस आप धन के मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब दोनों पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको धन के प्लेटफॉर्म को लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा जहां पर आपको लास्ट ऑप्शन शो कर रहा है मनी का, तो मनी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे ऊपर में आपको मार्जिन अवेलेबल शो करेगा, देन मार्जिन यूज्ड एंड मार्जिन फॉर विड्रॉल। तो ये सारी चीजें के नीचे जस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा गेट इंस्टेंट मार्जिन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने उन शेयर्स की लिस्ट आ जाएगी जिनमें मार्जिन बेनिफिट अवेलेबल है। तो हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ ITC के ही शेयर शो कर रहे हैं। अगर आपके केस में यहाँ पर दो या दो से ज्यादा शेयर शो करे तो आपको किन शेयर को प्लेज करना है उसे पहले सेलेक्ट कर लेना है एंड देन ऊपर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा टोटल आपके शेयर की वैल्यू और उस शेयर को प्लेज करने पर आपको टोटल कितना मार्जिन बेनिफिट रिसीव होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जस्ट बगल में आपको हेयर कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हेयर कट का मीनिंग मैं बता देता हूँ। जो भी शेयर को आप प्लेज करने जा रहे हैं जितनी क्वांटिटी में, उसकी जो करेंट वैल्यू होगी उस करेंट वैल्यू में से इस हेयर कट के परसेंटेज को अगर आप माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी टोटल मार्जिन बेनिफिट। तो आई होप कि आपको हेयर कट समझ आ गया होगा। जैसे ही आप स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट बगल में आप प्रोसीड टू प्लेस शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन अपने शेयर को कौन कौन से शेयर आप कितनी क्वांटिटी में आप यहां प्लेज करने जा रहे हैं उसे एक बार चेक करने के बाद कंफर्म प्लेज रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको CDSL की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को आपको यहां पर डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसे हम फटाफट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेज रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुका है, हमें बैक आ जाना है एंड यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्लेज रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है जो कि आफ्टर ऑथराइजेशन आपको 24 से 48 घंटे में ये मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि धन के प्लेटफॉर्म पर आप कैसे स्टॉक को प्लेज करके उसके बिहाफ में लोन ले सकते हैं या फिर मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं और उस मार्जिन का यूज, उस लोन का यूज आप स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप में जाकर। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। फिर भी कहीं पर कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद जय भारत।